So hey guys and welcome back to my channel. So I am back with another video. तो मैं आज घर पे हूँ क्योंकि आज है मेरा week off. तो मुझे अभी जाना था market, but वहाँ मुझे जाने के लिए ना मुझे कुछ मिला नहीं, मतलब ऑटो वगैरह मैंने ओला वगैरह से करा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए मैं अभी घर पे ही हूँ. तो अभी टाइम हो गया 2 बज रहे हैं, तो मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में मैं बनाऊँगी रोटी क्योंकि आज मैं घर पे हूँ. तो मैं सोचा मम्मी को थोड़ा आराम दे देती हूँ, तो इसलिए अभी मैं बनाऊँगी सबसे पहले रोटी, सबसे पहले फिर मैं करूँगी लंच. और रोटी ना मुझे आती है बनानी, बट इतनी परफेक्ट नहीं बनती, बट बन जाती खाने लायक. तो पहले मैं इसके पेड़े बना लूँ सही से. सो गाइज मैंने सारी रोटियाँ बना ली है. यहाँ पर ये रोटी है, आई नो उसकी शेप गोल नहीं है, मुझे ना गोल रोटी बनानी नहीं आती अभी तक, मतलब ऐसी बनाई है कि ये खाने लायक है, स्क्वायर शेप है इसकी. और यहाँ पर ना मैंने सारी रोटियाँ बना ली है, बस ये लास्ट रोटी है जो सिक रही है. बेशक मेरी रोटी गोल नहीं थी पर एकदम ये बराबर फूली है, देखो सारी हवा निकाल देती हूँ मैं. तो ये आ गया हमारा चुरमुरा वापस, देखो देख लो कैमरा चालू करते ही कैसे ड्रामे चालू हो गए. नो खिलाओ मौसी को, खिलाओ खिलाओ. आ आ कुछ भी कर दो, हाँ गुच्छ होके दिखा दो अब देख. और यहाँ है हमारा दूसरा पीस, ये क्या हो रहा है पढ़ाई देखना ना, पेंसिल में ना घुसा रहा है. हेलो करियो, हेलो मैं नहीं करूँगा ना, करो सही रहता है, करो हेलो करो ना. देखो यहाँ ये कर रहा है पढ़ाई आधे घंटे से इसका, ये क्या लिखा है इसने, सिर्फ पुल लिखा है राम पर. तो गाइज अब इसको हम जलाएंगे काकू को, उधर आ जाओ ना, मेरे पास आ जाओ मेरा बेटा प्यारा बाबू है. पहली बार बनाई थी, बस बस उसको मत मारियो बाबू है, ये तो गंदा है, दे उसे कॉपी ले ली. इतना तेज क्यों है काकू तू, चीज ना कभी वैसी हो गई खराब हो गई. नहीं ना मैं तो मूंग वाली फ्रीजर में रखती हूं, सही है मेरी तो. तो तेज मुंह में डाल रहा था और अब ले लिया, बाहर से खिलाओ मौसी को. मेरी तो नहीं होती, मौसी को खिलाओ. बना दो बना दो, सही रहती है, रखती है. थैंक यू बात भी कच्चू कच्चू है. तो दोस्तों अभी हो रहे हैं शाम के 8 बज रहे हैं और मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि अभी मुझे जाना है खाटू श्याम जी के जागरण में. तो अभी मैं रेडी हूँ, वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ क्या अरेंजमेंट है क्या नहीं. और बाकी मैंने फ़ोन वगैरह सब ले लिया अपना और मैं हो गई हूँ रेडी. थोड़ा सा मैंने सिंपली रखा है, मतलब कुर्ता है नीचे जीन्स है, सिंपली आउटफिट रखा है, ज़्यादा कुछ मैंने हैवी नहीं करा, मेकअप भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करा. तो चलते हैं वहाँ पर, आपको मिलती हूँ मैं वहाँ जाकर. तो यहाँ सब तैयार हो गए और ये भी तैयार हो गया. हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो. और ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है इसके आउटफिट. यहाँ हम लोग पहुँच गए थे, यहाँ पर हो रहा था पूरा अरेंजमेंट, यहाँ पर मतलब खाटू श्याम जी का पूरा जागरण हो रहा था और इतना ज़्यादा क्राउड था और इतना मज़ा आ रहा था हम लोगों को. यहाँ पर हमारे खाटू श्याम जी की मूर्ति लगी हुई थी और आप देखो कितने ज़्यादा सुंदर खाटू श्याम जी का स्वरूप बना रखा था पूरा, और पूरा ये रियल फ्लावर से डेकोरेट कर रखा था. उसके बाद थोड़ी देर बाद आ गए थे चित्र विचित्र जी, ये बहुत बड़े मतलब बहुत फेमस सिंगर है, ये कृष्ण जी और राधा जी के बहुत ज़्यादा भजन गाते हैं और इतनी मतलब जब इन्होंने गाना स्टार्ट करा इतना सही माहौल बन गया था. और यहाँ पर ये रहा मेरा बंदर, ये मतलब पूरे जागरण में मेरे पास ही बैठा रहा, इसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ये डांस कर रहा था वहाँ पर और यहाँ पर भी टॉफ़ी खा रहा था क्योंकि इसको भूख लग रही थी. तो इसको हमने मतलब उसका खाने पीने का हम लेकर गए थे सारा सामान और यहाँ पर टॉफ़ी खा रहा है और डांस भी कर रहा था ये बहुत, और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पर. मतलब दो
दो ढाई घंटे का पता नहीं चला, इतना ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर ही हमें 12 बज गए थे, तो यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन करा हुआ था। कढ़ी चावल थे और आलू पूड़ी थी और हमने यही खाया था डिनर में, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।